ये आज दो बदमाश जो है JSP मॉल के पास पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी समय पर फायरिंग करते हुए भागे। इनको बाद में पुलिस के द्वारा घेर के जवाबी फायर किया गया, जिसमें दोनों को चोट आई है, दोनों बदमाश घायल हुए हैं, उनको इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। एक विश्वनाथ नोटन पाल और शुभम सेठ के रूप में हुई है। ये दोनों अभियुक्तों के द्वारा 12 तारीख को शाम के समय पे चौक थाना के अंतर्गत एक चाय के स्टॉल पे फायरिंग की थी और इस फायरिंग में दो लोग घायल हुए थे। हालांकि दोनों लोग आउट ऑफ डेंजर है और तब से पुलिस इनको ढूंढ रही थी, इनके लिए लगातार दबिशें दी जा रही थी और इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे स्तर से घोषित किया जा चुका था। आज इन दोनों बदमाशों को पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार करके एक सफलता प्राप्त की है। सर, क्या इनका कुछ आपराधिक इतिहास भी है, जैसा कि सैयदगंज थाने में ये नोटन पाल सैयदगंज थाना का HS है, इसका लंबा आपराधिक इतिहास है और अमित सेठ के खिलाफ भी लूट के कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं, शुभम सेठ के खिलाफ भी लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके बारे में और हम लोग इनका जानकारी कर रहे हैं, इनसे पूछताछ किया जाएगा। ये भी बात संज्ञान में आई है कि ये लोग और भी कुछ योजनाएं बना रहे हैं। अभी क्या किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे क्या? हाँ, ये अभी जानकारी हुई है कि घटना को अंजाम देने के लिए लोग जा रहे थे। क्या वेपन वगैरह इनके पास? दोनों के पास पिस्टल मिले हैं और ये पुलिस को फायरिंग करते हुए भागे थे। अभी और पूछताछ इनसे डिटेल में की जा रही है। थैंक यू सर।